आज का जो है लेसन है हमारा गजल। तो गजल जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो गजल है वो एक स्वतंत्र विधा है। ये नहीं है कि जो फर्स्ट हमारा शेर है उसका दूसरे से रिलेट हो, मतलब हर जो शेर है उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है, यानी कि ना तो वो पहले से रिलेट होता ना वो नेक्स्ट से रिलेट होता है। गजल जो है हमारी एक स्वतंत्र विधा है जिसमें जो है हर शेर का अपना स्वतंत्र ही अस्तित्व होता है। तो फर्स्ट जो है गजल है बेटा हमारी, ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। मयसर क्या होता है बेटा? उपलब्ध होना। मयसर होता है उपलब्ध होना। तो यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ होते हैं हमारे, जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हम हर घर में इतनी सुविधाएं देंगे, हर को स्वर्ग बना देंगे, ये कर देंगे, तो उनके बारे में यहाँ कहा गया है कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कि चुनाव से पहले जो राजनीतिज्ञ जो है वो वायदे करते हैं कि हम हर घर को जो है बहुत सारी सुविधाएं देंगे, सुख सुविधाएं देंगे। तो यहाँ जो चिराग है, चिराग वैसे तो मतलब रोशनी का प्रतीक है, लेकिन यहाँ किसका प्रतीक है चिराग? सुख सुविधाओं का। कि राजनीतिज्ञ जो है, आर्यन समझ आ रहा है ना बेटा? तो जो चिराग है बेटा वो किसका प्रतीक है यहाँ पर? सुख सुविधाओं का। कि चुनाव से पहले जो राजनीतिज्ञ है हमारे वो वादे करते हैं कि हम हर घर में जो है बहुत सारी सुख सुविधाएं देंगे, जो आम व्यक्ति का जीवन है वो बहुत ही मतलब सुधर जाएगा। लेकिन कहां चिराग मयसर नहीं, कहां सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है शहर के लिए, कि कहां तो वे वादे करते हैं कि हम हर व्यक्ति को सुख सुविधाएं देंगे, हर घर को सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है कि पूरे शहर के लिए सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक जो मतलब सुविधाएं हैं वो भी वो नहीं देते हैं, कि पूरे शहर के लिए जो पूरे शहर के लिए जरूरी है वे सुविधाएं भी वे प्रदान नहीं करते हैं। क्लियर बेटा? अगर हम काव्य सौंदर्य, क्योंकि हमारा जो प्लस टू में है टेंथ तक हमारा नहीं आता है काव्य सौंदर्य, जो प्लस वन टू में है बेटा हमारा काव्य सौंदर्य आता है अलग से। जैसे आपको पैसेज दिया हुआ होगा कि इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो उस काव्य सौंदर्य में एक आप भाव सौंदर्य से रिलेटेड लाइन लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि दुष्यंत कुमार है वो ये कहना, वो राजनीतिज्ञों पर जो है व्यंग्य करता है कि किस प्रकार वो झूठे वादे करते हैं। दूसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे कि जो उर्दू फारसी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है, ठीक है? तो उर्दू के शब्द कौन से हैं हमारे यहाँ? चिरागा है, मयसर है, ये क्या है हमारे? उर्दू के शब्द, ठीक है? तो उर्दू मिश्रित यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है? तो ये होगा आपका काव्य सौंदर्य चार पांच पंक्तियों का, ठीक है? ऐसे आप काव्य सौंदर्य मेंशन करेंगे। सेकंड जो है बेटा आपका, क्लियर है ये? आर्यन समझ आया बेटा? मैंने सुनना है ये लेसन करवाने के बाद हर एक जो है आपसे तीनों से ही जो है सुनना है मैंने। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। देखिए दरख्त क्या होते हैं बेटा? पेज। दरख्त क्या होते हैं? पेज। कि यहाँ पर जो है पेड़ों की जो पेड़ है, पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, यानी कि जो कवि दुष्यंत कुमार ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, जो लोक कल्याणकारी संस्थाएं बनी हुई हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, वे ही लोगों का जो है शोषण कर रही हैं। दिखावा तो वो कल्याण के लिए बनी हुई है, दिखावा तो करते हैं कि भाई हमारी कल्याणकारी संस्थाएं हैं और वे समाज के कल्याण के लिए बनी हुई हैं, लेकिन वास्तव में ही अंदर ही अंदर वे ही समाज का शोषण कर रही हैं। तो यहाँ मतलब कि उनके साये में भी धूप लगती है। अब उनका साया दिखावा तो क्या है कि वे लोगों का भलाई के काम करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है कि वो लोगों का शोषण कर रही हैं। तो साये में धूप का मतलब है कि उनकी छाया में भी धूप लगती है। बाहर से तो वो कल्याणकारी संस्थाएं दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आम आदमी का शोषण कर रही हैं। चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। अब देखिए अगर हम साये में धूप
कि भाई हमें जो है साए में भी धूप लगती है, तो विरोधाभास है ना। एक तो छाया कह रहा है कि मैं किसी के साए में खड़ा हूँ, मान लो छत के नीचे खड़ा हूँ, पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, तो साया है ना मेरे ऊपर, और उसमें भी कह रहा है धूप लगती है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। समझ आई मेरी बात? कि जब दो चीजें विरोधी विरोध विरोधावस्था दिखाई गई हो तो वो होगा विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो साए में धूप यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। यहाँ दरखतों के साए में धूप लगती है कि यहाँ पर पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि जो कल्याणकारी संस्थाएं हैं, जो लोगों की भलाई के लिए बनाई गई हैं, वे दिखाई तो देती हैं साए के रूप में, लेकिन अंदर ही अंदर वे लोगों का शोषण करती हैं, आम लोगों का। तो धूप यहाँ शोषण का प्रतीक है और साया किसका प्रतीक है यहाँ पर? कि जो वो कल्याण के काम करने के लिए बनाई जाती है वो साया है, अंदर ही अंदर जो शोषण कर रही है वो क्या है? धूप है। तो कह रहा है चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो कहता है चलो यहाँ से कि इन संस्थाओं के संपर्क से हम दूर हो जाएं, चलो यहाँ से जो है उम्र भर के लिए, कि इन जो संस्थाओं के चक्र में, राजनीतिज्ञों के चक्र में हम ना पड़े, इनसे दूर ही रहे तो भलाई है। तो कहता है चलो यहाँ से उम्र भर के लिए, कि पूरी उम्र के लिए यहाँ से हम चले जाएं, अर्थात इन संस्थाओं के संपर्क में ना आएं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आम लोगों का शोषण करती है। क्लियर बेटा? नहो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये तो ये लोग उर्दू शब्दों का सेम आपका जो काव्य सौंदर्य वही रहेगा, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है, विरोधाभास अलंकार है और गजल छंद है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है नहो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब क्या होता है बेटा? आर्यन पेंसिल वगैरह रखा करो बेटा कि आप राइट कर लो, कोई भी अगर आपकी ऐसी डिफिकल्टी है या लग रही है आपको कि जैसे आप रिवाइज करोगे तो आपको उसी टाइम रिमाइंड हो जाए कि हमने ऐसे पढ़ा था। तो क्या कहता है, नए हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, कि यदि आम लोगों के पास यदि कमीज नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो वे पांव से पेट ढक लेंगे। जो आम लोग है, जो शोषण का शिकार है, वो जो हमारे शासक है वो उनका विरोध नहीं करते, यानी कि वो जो जिनका शोषण हो रहा है, गरीब वर्ग लगा लो आप, कि जो गरीब वर्ग है वो अमीर वर्ग का शोषण का विरोध नहीं करता। यदि उनके पास वस्त्र नहीं है तो वो सोचता है मेरी किस्मत में तो बस इतना ही है, तो वो पांव से पेट ढकने की कोशिश करता है, यानी कि क्रांति नहीं करने की सोचेगा कि भी मेरा भी अधिकार है, मैं काम कर रहा हूं, तो वो बस जितना है उतने में ही संतुष्टि सोचता है। कोई ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, और जो शासक है वो तो यही चाहता है ये क्रांति ना करे, मेरा विरोध ना करे, यही चाहता है ना। सफर यहाँ किसका प्रतीक है बेटा? सफर जीवन यात्रा का प्रतीक है यहाँ पर। तो कहता है ये लोग कितने मुनासिब हैं उन शासकों के लिए, मुनासिब में जो उपयुक्त हैं, सही हैं, कि जैसा शासक सोचते हैं, शासक तो ऐसा ही सोचते हैं भाई ये क्रांति ना करें, हमारे विरुद्ध ना जाएं, तो ये लोग कितने मुनासिब हैं, कितने सही हैं, कितने उपयुक्त हैं उस नजारे के लिए, इस सफर के लिए, कि शासकों के लिए ये जो शोषित लोग हैं, आम लोग हैं, ये कितने उपयुक्त हैं उनकी जीवन यात्रा के लिए। वो तो चाहते ही यही है भी हमारा टाइम निकले निकले, ये विरोध ही ना करें हमारा। दोबारा से देखेंगे बेटा इसको, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, यदि आम आदमी के पास, गरीब आदमी के पास यदि वस्त्र नहीं है, तो वो जो है अपने शासक से ये डिमांड नहीं करेंगे कि मुझे वस्त्र चाहिए, वो सोचते हैं जितना है उतने में गुजारा कर लेंगे, पांव से पेट ढकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे अपने शासक के विरुद्ध नहीं जाते। और शासक यही चाहता है, ये लोग कितने मुनासिब है, शासक तो यही चाहता है वे लोग कितने उपयुक्त है अपने शासक के लिए, अपने मालिक के लिए, कि वो जो है इस मालिक के सफर के लिए जो जो आम लोग हैं वो कितने उपयुक्त हैं, क्योंकि मालिक तो यही सोचता है,
और उसकी मन मर्जी जो वो सोचता है वही आम लोग करता है। मुनासिब क्या होता है बेटा? उपयुक्त, सही। नेक्स्ट देखिए, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। ख्वाब क्या होता है? कल्पना, जो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा ख्वाब, जो हम ख्वाब में देखते हैं, सपने में देखते हैं। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। देखिए, अब देखिए, हमने भगवान को कभी देखा है? हमारी इमेजन ही तो है कि भाई भगवान है, कुछ ना कुछ इस सृष्टि को चला रहा है, कोई ना कोई, मतलब एक हमारा विश्वास है भगवान के बारे में, ठीक है। अब पर्सनली तो आप मिले नहीं हो, ना मैं मिली हूँ भगवान से, तो एक विश्वास हमारा जो बना हुआ है, तो वो उसको क्या कह रहा है, उसको विश्वास को, कि ख्वाब है भगवान हमारा, हमारी इमेजिनेशन है भगवान। तो कहता है यदि भगवान नहीं है तो न सही, लेकिन हमारा ख्वाब तो है, हमारी इमेजिनेशन तो है कि है भगवान। भाई कोई जिंदगी को जीने के लिए हमारे पास एक हसीन नजारा तो है कि भगवान यदि हम गलत काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि हम अच्छा करते हैं तो उससे भी हम, उसमें भी हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो कहता है कि इस नजर के लिए, कि जो है इस जीवन यात्रा को पूरी करने के लिए जो है हसीन नजारे तो हैं जिंदगी में, भगवान नहीं है तो न सही, हमारी कल्पना में तो है, हमारी इमेजिनेशन में तो है, कोई हसीन नजारा तो है इस नजर के लिए। तो कहता है कि इस जिंदगी को जीने के लिए भगवान जैसा कोई हसीन नजारा तो है हमारे पास, जिसकी जो है, जिसकी कल्पना में हम, जिसके जरिए हम पूरा जीवन जी लेते हैं। बहुत सारे आकर्षक दृश्य हमें भगवान दिखाता है, तो कहता है कि हमारे पास भगवान ने जो जीवन दिया है वो एक नजारा तो है, हसीन नजारा है हमारे पास भगवान को देखने के लिए। वे मुतायन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अब देखिए, आम लोग क्या सोचता है कि जो शासक है, जो अमीर वर्ग है, वो क्या है कि वो भ्रष्ट है और वो उसके दिल पिघल नहीं सकते। मुतायन होता है मुतमईन होता है आश्वस्त। मुतमईन क्या होता है बेटे? आश्वस्त है, मुझे विश्वास है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अमीर वर्ग है, जो गरीबों का शोषण कर रहा है, देखिए हर अमीर जो है शोषण नहीं कर रहा, लेकिन हम किस अमीर की बात कर रहे हैं जो गरीबों का शोषण कर रहा है, जिन्होंने गरीबों के खून पसीने से अपने आप को अमीर बनाया है, हम उस भ्रष्ट व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि आधा आम आदमी को विश्वास है, आश्वस्त है आधा आम आदमी कि जो शासक है उसका दिल नहीं पिघल सकता, उसका दिल पत्थर का होता है, उसका दिल नहीं पसीज सकता, नहीं पिघल सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, लेकिन कवि क्या कहता है कि मैं तो बेचैन हूं कि जो आम आदमी है वो शासक के विरुद्ध विद्रोह करे, क्रांति करे और अपना हक उससे मांगे। अब देखिए, आम लोग तो आश्वस्त है बिल्कुल, वो तो उस मतलब कुछ नहीं करना चाहता इसके विरुद्ध, शासक के विरुद्ध, कि भाई वो तो आश्वस्त है कि इसका दिल नहीं पिघलेगा, नहीं पसीजेगा, यह तो पत्थर का दिल है, जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसका दिल पत्थर का है। कौन सोचता है? आम आदमी सोचता है उसके बारे में। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, लेकिन कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मैं तो इनके विरुद्ध क्रांति करना चाहता हूँ, विद्रोह करना चाहता हूँ इनका, कि हम इतना काम करने के बावजूद भी आज कहाँ पर हैं और ये हमारी कमाई से कहाँ पर हैं और फिर भी आज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो जो कवि है वो क्या करना चाहता है? वो क्रांति करना चाहता है। नेक्स्ट है बेटा, यहां तक कंफर्म है, क्लियर है? तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर क्या होता है बेटा? जो एक गजल का छंद होता है उसे कहा जाता है बहर।
जैसे मतलब गजल गाई जाती है तो उसके भी कुछ बंधन होते हैं गजल के, कि भाई इस प्रकार से हम शेर प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से जो है मतलब छंद प्रयोग करेंगे, इसकी हर सेकंड लाइन में अनुप्रास छंद होता है गजल की, तो एक बंधन होता है गजल का बनाने के लिए। तो कहता है कवि, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। निजाम क्या होता है बेटा? शासक। यदि शायर जो है, यदि की शायर के खिलाफ लिखेगा, मान लीजिए वो क्रांति के लिए आम लोगों को भड़काएगा, ऐसी कविताएं लिखेगा, तो शासक क्या करेगा? उसकी जुबान सील देगा, इट मींस उस पर बैन लगा देगा उसकी कविताओं पर। जुबान सीलने का मतलब है यदि शासक ऐसी कविताएं लिखेगा, यदि सॉरी जो कवि है वो ऐसी कविताएं लिखेगा कि जो आम जनता है वो विरुद्ध हो जाए शासक के, तो क्या करेगा शासक कि जो शासक क्या करेगा कि कवि के खिलाफ जो है वो एक्शन लेगा और उसको जो है उस पर बैन लगा देगा उसकी कविताओं पर। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, लेकिन शासक जो है शायरों की जुबान पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन जैसे कैसे प्रतिबंध लगा सकता है? जैसे गजल के छंद बनाने पर प्रतिबंध होता है, जैसे गजल का छंद बनाने पर प्रतिबंध होता है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार प्रयोग होगा, दो लाइनों का की गजल होगी, इसी प्रकार जो है शासक भी प्रतिबंध लगा देता है कवि पर। जैसे गजल प्रतिबंध लगा देती है लिखने में कि भाई यहाँ ये अलंकार होगा ये होगा, वैसे ही शासक प्रतिबंध लगा देता है कवि पर कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तू लिखेगा, अपनी मर्जी से तू क्रांति से संबंधित कविताएं नहीं लिख सकता। तो दोबारा देखिए बेटा इसको, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कहता है कि जिस प्रकार जो है गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी प्रकार जो है जो शासक है वो भी शायर पर प्रतिबंध लगा देता है यदि वो उसके विरुद्ध जो है कविताएं लिखता है, और आम आदमी से वो यदि आम आदमी की सोच के अकॉर्डिंग वो यदि कविताएं लिखता है, क्रांति करवाना चाहता है, आम आदमी को ऊंचा उठाना चाहता है, तो जो है शासक उसकी जुबान पर प्रतिबंध लगा देता है, उसकी कविताओं को बंद करवा देता है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखो बेटा, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले। कवि कहता है यदि मैं जीऊं, यदि मेरा जीवन हो तो अपने ही बगीचे में, तो अपने घर में भी गुल मोहर के नीचे जीऊं। तो गुल मोहर एक फूलों का पेड़ होता है बेटा, गुल मोहर का पेड़। तो क्या कहता है, जो गुलमोहर का पेड़ है यहाँ किसका प्रतीक है? मानवीय मूल्यों का। ठीक है, यदि मैं जीऊं, यदि मैं जिंदगी व्यतीत करूं तो मानवीय आदर्शों के साथ, ठीक है, मेरे अंदर मैनर्स हो, दूसरों की सहायता करने का मेरे अंदर जज्बा हो। तो कहता है यहाँ गुलमोहर किसका प्रतीक है? मानवीय मूल्यों का। तो जब एक चीज दूसरे की, देखो कहा कुछ गया है प्रतीक वो किसका है, लेख तो हम लिख देते हैं काव्य सौंदर्य में प्रतीक अर्थ का प्रयोग है। ये भी काव्य सौंदर्य की ही लाइन आ जाती है हमारे पास कि प्रतीक अर्थ का प्रयोग है। गुल मोहर यहाँ किसका प्रतीक है? गुल मोहर जो है यहाँ शांति और मानवीय जीवन मूल्यों का प्रतीक है। तो कवि कहता है यदि मैं जीऊं अपने घर में तो मैं गुल मोहर के तले, तो वह कहता है कि मैं शांति से मानवीय मूल्यों के साथ जीवन व्यतीत करूं। कवि कहता है यदि मैं जीऊं तो मानवीय मूल्यों के साथ जो है जीवन व्यतीत करूं, यदि मैं जीऊं तो मानवीय मूल्यों के साथ जीवन व्यतीत करूं शांति, और मर तो गैरों की गलियों में मोहर के लिए, और यदि मरूं, यदि मैं मरूं तो वो भी किसी दूसरे के मान, अपने मानवीय मूल्यों को किसी दूसरे के लिए रखते हुए,
भाई मैं अपने मानवीय मूल्यों को दाव पर नहीं लगाऊं, यदि मैं मरूं तो भी, तो दूसरों के जीव मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए मेरा अंत हो। दूसरे की गलियों में यदि मेरा अंत भी हो तो वो उसके मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए मेरा अंत हो। तो गुल मोहर यहाँ मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो जो गुल मोहर है यहाँ पर किसका प्रतीक है? मानवीय मूल्यों का। तो कहता है यदि मैं जीऊं तो मानवीय मूल्यों के लिए, और यदि मैं मरूं तो मानवीय मूल्यों के लिए। चलो आर्यन बेटा यही सुनाओ आप, यही छंद लास्ट से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा है, जहां भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपकी हेल्प करूंगी। इसका मुझे सुनाओ जो अभी हमने किया है। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो दो दो है सबके लिए। ठीक है, दो दो रिवाइज करेंगे हम। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन, यदि हमें ये हो जाते हैं तो क्वेश्चन हमें नीड नहीं होती करने की, यदि हमारे ये रिवाइज हैं। चलो बेटा आर्यन बताओ मुझे। जी हाँ जी मैम, मैंने बीच में ज्वाइन किया था, मैंने शुरू से ज्वाइन नहीं किया। हाँ जी बोलिए। मैम मैंने बीच में ज्वाइन किया क्लास को, शुरू में ज्वाइन नहीं किया था। बेटा मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, मेरी क्लास में भी एक आर्यन है, मैं उससे पूछ रही हूँ। हाँ जी आर्यन बोलिए बेटा। हाँ जी बताइए बेटा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो घेरों की गलियों में गुलमोहर के तले। गुलमोहर किसका प्रतीक है यहाँ पर? मानवीय मूल्यों का। वैसे तो गुलमोहर एक पेड़ होता है फूलों का, लेकिन यहाँ पर जो प्रतीक अर्थ है वो अर्थ है मानवीय मूल्यों का। चलो बेटा आप बताओ। हाँ यही दो अपने प्रिपेयर कर लो, दो मैंने सुनने हैं। कवि कौन है? दुष्यंत कुमार। हाँ जी यस वेरी गुड। हाँ जी उनके जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए हमारा अंत हो। इससे पिछले वाला और बताओ बेटा। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। हाँ जी यदि शासक का जो है शायर विरोध करेगा तो वो उसकी जुबान सील देगा। ठीक है, ये एहतियात जरूरी है इस पहर के लिए। जिस प्रकार गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी प्रकार जो है शासक का भी शायरों पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, चलो मुस्कान आप सुनाओ बेटा। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर क्यों। इसमें कभी कहता है कि जो लोग है वो अस्वस्थ है। वेरी गुड, अस्वस्थ हैं। कि जो शासक है उनका मन पत्थर की तरह है, वो कभी पिघल नहीं सकता। हाँ जी मैं क्रांति के लिए बेचैन हूँ आवाज में अस्त्र के लिए, कि आम आदमी जो है शासक के विरुद्ध जाए, उसका विरोध करे और अपने हक के लिए लड़े। चलो नेक्स्ट और करो बेटा। हाँ जी भगवान जो है उसे पूरी उम्र आकर्षक दृश्य दिखाता रहता है। आर्यन आगे आओ बेटा, सेकंड बेंच पे आइए। और ये फर्स्ट कितने रहते हैं? न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगी बेटा, सुनाओ।
है? चलो जो आते हैं वो सुनाइए मुझे, जो आपने आपको अभी आते हैं वो सुनाओ मुझे, कौन कौन से आपको आते हैं? वेरी गुड. निजाम होता है बेटा शासक. तो कवि क्या कहता है, यदि कवि जो है शासक के विरुद्ध लिखता है, उसके विरुद्ध लिखेगा कुछ भी या उसके विरुद्ध विद्रोह करेगा, तो क्या हो जाएगा कि जो शासक है उसकी जुबान सील देगा, इट मींस उसकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा देगा. और ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए. जिस प्रकार शासक शायर की जुबान पर प्रतिबंध लगाता है, उसी प्रकार जो है गजल के छंद के लिए भी बंधन की सावधानी जरूरी होती है. बहर क्या होता है, एक शेर का छंद होता है बहर. और सुनाओ भी आर्यन, चलो थोड़ा थोड़ा सा करते हैं ना बेटा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. हाँ आज मैंने इतना सीखा है, मैं क्लास में आया हूँ तो मैंने क्या, मैं क्या सीख के जा रहा हूँ स्कूल से, फेस टू फेस में बहुत, मतलब टीचर भी ये सोचता है हाँ हाँ मेरे स्टूडेंट्स को इतना यहाँ तक उन्होंने किया है. यदि हम एट ए टाइम जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ तक आपने पढ़ा है. अब मैं तो सोच रही हूँ मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन जब आउटपुट देखती हूँ तभी तो पता चलता है ना कि कितना आपने सीखा है. हाँ जी बेटा चलिए. कि भगवान नहीं है तो मैं सही, लेकिन हमारे ख्वाबों में तो है, हमारी कल्पनाओं में तो है, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कि इस जिंदगी को व्यतीत करने के लिए भगवान जो है आकर्षक दृश्य दिखाता रहता है. इस जीवन को व्यतीत करने के लिए कोई हसीन नजारा तो है हमारे पास, कि उसके जो है थ्रू हम पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं. चलो आर्यन फर्स्ट टू सुनाओ बेटा. देव बैठो आर्यन, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड. थोड़ा सा आगे आओ बेटा, आप इधर आवाज नहीं आ रही है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. यदि उनके पास वस्त्र नहीं होते, कमीज नहीं होती, तो वो पांव से पेट ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने हक के लिए नहीं लड़ते. कोई ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, इस लाइन का अर्थ बताइए मुझे. हाँ वेरी गुड. हाँ जी, कि ये लोग कितने मुनासिब हैं, कि आम लोग कितने उपयुक्त हैं उनकी सोच के अनुसार, शासकों की सोच के अनुसार. शासक तो यही सोचता है कि ये हमारे विरोध ना करें, हमारे विरुद्ध न जाएं. तो शासकों की जीवन यात्रा के लिए कितने मुनासिब हैं, कितने उपयुक्त हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट चलिए. यहाँ दरख्त के सारे धूप लगती जानकारी संस्थाएं होती हैं. हाँ जी, बाहर से तो वो कल्याण के कार्य करती दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से वो लोगों का शोषण करती हैं. तो उनको क्या कहा गया है, दरख्तों का साया कहा गया है. दरख्त क्या होते हैं, पेड़, कि पेड़ों के साये में भी कवि को धूप लगती है. चलो यहां से चले उम्र भर के लिए. इसलिए जो है राजनीतिज्ञों के, कल्याणकारी संस्थाओं के जो कवि है वो संपर्क में नहीं आना चाहता. हाँ जी चलिए बेटा फर्स्ट. कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए. हाँ जी, पहले राजनीतिज्ञ जो है चुनाव से पहले वादे करते हैं कि हर घर को सुख सुविधाएं देंगे. सुख सुविधाएं यहाँ किसका प्रतीक है, चिराग का. लेकिन फिर वो पूरे शहर के लिए, बाद में चुनाव के बाद पूरे शहर के लिए सार्वजनिक सुविधाएं भी नहीं दे पाते. क्लियर.
चलो बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब इसकी बैक एक्सरसाइज है बेटा, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा की गई है, क्या इसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ छिपा हुआ है, समझा कर लिखें। कौन समझाएगा भाई, समझाना बच्चों, अभी तो किया है बेटा हमने गुलमोहर वाला। चलो मुस्कान बताओ बेटा, क्या समझाना चाहता है कवि। वेरी गुड, समझ आया बेटा आपको मुस्कान ने जो बताया। वैसे तो जो गुलमोहर है एक फूलदार वृक्ष होता है, ठीक है, और यह बिल्कुल जब हम इसकी छाया में बैठते हैं तो हमें शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है जब हम गुलमोहर की छाया में बैठते हैं। तो कहता है कवि कि इस शब्द का यहाँ पर, लेकिन या इस शब्द का यहाँ सांकेतिक अर्थ है, विशेष अर्थ है। तो वो क्या है बेटा, मनुष्य अपने घर में शांति और मानवीय मूल्यों से युक्त होकर रहे, यदि उसे बाहर रहना भी पड़े तो वह मानवीय मूल्यों के साथ और शांति से रहे। तो यहाँ पर गुलमोहर इसका प्रतीक है कि यदि मनुष्य अपने घर में रह रहा है तो वो मानवीय मूल्यों के साथ शांति से रहे, यदि उसे बाहर भी रहना पड़ रहा है तो वो बाहर के लोगों के साथ भी जो है अच्छा व्यवहार करे, मानवीय मूल्यों का प्रयोग करे और शांति से रहे, चाहे उसे बाहर रहना पड़ता है या उसे घर में रहना पड़ता है। यदि हम बाहर, देखिए, यदि हम अपने घर में तो मानवीय मूल्यों का पालन करते हैं, लेकिन बाहर जाकर हम जिसके भी संपर्क में आते हैं वहां मानवीय मूल्यों का पालन नहीं करते तो क्या होगा, हमारे समाज में अराजकता फैल जाएगी, हमारा समाज नहीं होगा तो हमारा देश नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये नियम हमें, चाहे हम घर में हैं चाहे हम बाहर हैं, हमें हर जगह अपनाने होते हैं, हमारे जो आदर्श होते हैं मानवीय मूल्य होते हैं। तो यदि हम बाहर इनका अच्छी तरह से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे समाज में, हमारे देश उन्नति नहीं कर सकता, हमारे समाज में अराजकता फैल जाएगी, कोई एक दूसरे को समझेगा ही नहीं। जब मैं आपको, आपकी बात नहीं सुन रही हूं तो आप मेरी क्यों सुनेंगे। जब आप एक बात सही कह रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो आप नेक्स्ट टाइम क्यों मेरी बात एक्सेप्ट करोगे। तो मानवीय मूल्यों के साथ जो है हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। देखिए बेटा, पहला जो शेर है हमारा, कहां तो तय था चिरागा, बहुवचन में है ना, चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं, पहले लाइन में बहुवचन में प्रयोग हुआ है चिरागा और दूसरी लाइन में एक वचन में प्रयोग हुआ है। तो अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि में इसका क्या महत्व है, एक तो अर्थ हमने बताना है और दूसरा काव्य सौंदर्य भी हमने बताना है। तो जो पहला शेर है, चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है बहुत सारी सुख सुविधाएं, ठीक है। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि हर एक घर के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं देंगे। तो और उसके बाद जो है इसमें इसका जो अर्थ है वो सीमित सुविधाएं मिलना है। दूसरी बार यह एक वचन में प्रयोग हुआ है, पहली बार तो क्या कह रहा है कि हर एक घर में सुविधाएं दूंगा, और फिर वो चिराग शब्द पूरे शहर के लिए प्रयोग हुआ है दूसरी लाइन में। पहली लाइन में चिरागा शब्द हर एक घर के लिए प्रयोग हुआ है, दूसरी लाइन में चिराग शब्द पूरे शहर के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि पूरे शहर के लिए यदि मान लो सार्वजनिक सुविधाएं दी जाती हैं तो आम आदमी भी उसे प्रयोग कर सकता है जिसको नीड है, हर एक नहीं प्रयोग करेगा तो जिसको जरूरत है वो तो प्रयोग करेगा। अब देखिए, जैसे सार्वजनिक सुविधाएं हैं, मान लीजिए बस अड्डा है वो अच्छी तरह से बनवा दिया गया है, ठीक है,
तो जो आम आदमी वहां से डेली पैसेंजरी करता है तो उसको तो सुविधा महसूस होगी। अब जो अपनी गाड़ी से जाता है, बाइक से जाता है, चलो उनको सुविधा ना हो, लेकिन जो डेली उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उनको तो सुविधा होगी बैठने की। यदि हम अच्छी तरह से मेंटेन, यदि राजनीतिक मान लीजिए किसी शहर से में बस अड्डा बनवाते हैं तो जो वहां से डेली पैसेंजरी करते हैं, यदि घर घर सुविधाएं नहीं दे सकते तो कम से कम सार्वजनिक तो दें। दूसरा जो है यथार्थ को दर्शाता है, और जो पहला है ये बात तो संभव है ही नहीं कि राजनीतिक हर घर में सुविधाएं देगा, पॉसिबल नहीं है हर घर में सुविधाएं देगा। हाँ वायदे बड़े बड़े करता है लेकिन सार्वजनिक सुविधाएं तो दे सकता है शहर के लिए। तो जो दूसरा चिराग शब्द है वो यथार्थ पर कायम है, हमारा वास्तविकता पर कायम है, ऐसा जो है राजनीति के कर सकते हैं। लेकिन जो पहला चिरागा शब्द है वो यथार्थ पर कायम नहीं है, क्योंकि हर घर में जो है राजनीतिक सुविधाएं नहीं दे सकता। अब देखिए एक ही शब्द को जो है उसने प्रतीक भी, जो बहुवचन वाला है वो क्या है, हमारा कल्पना है, इमेजिनेशन है, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, यथार्थ के धरातल पर बात नहीं की गई पहले में। लेकिन जो दूसरा चिराग शब्द है वो यथार्थ को दर्शाता है। अब देखिए एक ही शब्द में उसने प्रतीक अर्थ भी दे दिया और लक्षण भी बता दिया है, प्रतीक अर्थ भी है और लक्षण भी है। तो यहां पर हमें एक अद्भुत कल्पना देखने को मिलती है कि एक ही शब्द के जो है बहुवचन और एक वचन में प्रयोग। एक फर्स्ट किसके लिए प्रयोग हुआ बेटा, फर्स्ट जो है कल्पना के लिए, और जो सेकंड है वो यथार्थ के लिए, वास्तविकता के लिए, वास्तव में राजनीतिक ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट बेटा, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें, यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। अब हमारा तीसरा शेर कौन सा है बेटा, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, यही है ना। तो कहता है कवि कि तीसरे शेर में जो है जो लोग उत्साहहीन होते हैं, जो शासकों के विरुद्ध